गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये देखो पीछे है बटरफ्लाई गार्डन। आज नहीं आऊँगी, थोड़े दिन बाद जाएंगे। आज हम काऊ डंक उठाने आए थोड़ा। एक लकड़ी भी मिल गई है जलाने के लिए। So apparently this is dry one, तो ये नहीं ले सकते। से ताज़ा ताज़ा चाहिए, फ्रेश, अभी क्या हुआ। एक मिल गया मासी को। एक मिल गया। मेरी मासी बोलती है असल घोटे काढ़ी वाली लग रही है तू, ना बाल बनाती है, ना कपड़े अच्छे पहनती है, ऐसे सुध बुद्धि नहीं है कुछ। अच्छा जिस देश में जाओ उस देश में ढल जाओ, राइट। वो पे सामने गाय का गोठा है, वहाँ से मासी थोड़ा लेके आई है, अभी आगे जाएंगे। पितले तो पेट भरू पाछा आवे छे। हाँ चलो चलो। ओके तो इसमें पहले तेल डाला, फिर राई डाला है, और ऊपर से मैंगो डाली, और इसमें पानी पकाने के लिए पानी डाला है। पकाने के लिए पानी डाला है। जब ये पक जाएगा एकदम, तभी उसके अंदर हम जैगरी डालेंगे। स्पेसिफिकली कुछ ऐसा टाइम लिमिट नहीं है, पर वो एकदम पकना चाहिए, तभी जैगरी जाएगा अंदर। देखते हैं कभी पकता है। अभी थोड़ा पक गया है मैंगो, तो उसके अंदर जैगरी। ये देखो गुड़ एकदम इसके अंदर मेल्ट हो गया। बहुत बॉयल होने देना पड़ता है इसको। अभी देखो एक घंटा हो गया है इसको, और पानी गायब हो गया है, और अभी गुड़ गुड़ दिख रहा है, गुड़ का कलर लगा है इसको पूरा, और थोड़ा सा सूखा होना चाहिए तब जाके ये रेडी हो जाएगा। ये देखो रेडी हो गया। एक घंटा लगा ना, मस्त है। मुँह में पानी। अभी दूसरी आइटम बन रही है, तो ये अब एक रात पूरा ऐसा ही रखा। कल रात को ये बना के रखा, गरम गरम तेल में राई डाल के उसको एकदम ठंडा होने देना चाहिए, और फिर नेक्स्ट डे सिर्फ उसके ऊपर से कर देंगे। रेडी थे गया ना, रेडी हो गया ना। अच्छा रेडी हो गया, बस सिंपल। इसमें पानी जरा भी लगना नहीं चाहिए, एकदम ड्राई होना चाहिए। तो प्रोसेस एक बार और बता देती हूँ। केरी के मैंगो का जो टुकड़ा रहता है उसमें बेड़ीकर मसाला डाल के नमक,
हल्दी और हींग डाल के एक रात रखने का, फिर तेल और राई की, तेल और राई का फोड़ने डाल के उसको भी एक रात रखने का, मतलब दोनों एकदम ठंडे होने चाहिए। और फिर नेक्स्ट डे दोनों को मिक्स करके जार में डाल देने का, रेडी। तुरंत खा सकते ना नेक्स्ट डे से? नहीं, दो चार दिन रखना चाहिए। अच्छा, ये बेड़ेकर मसाला का जो स्वाद रहता है ना, एक नंबर रहता है, मतलब खाली स्मेल भी लोगे ना तो मुंह में पानी आ जाएगा, बहुत टेस्टी रहता। अभी एक भारी चीज़ करने वाले हैं हम लोग, आंगन लिपने वाले हैं। मेरी मासी एकदम मस्त करने वाली है आंगन को, और काव डंक लेके आए हैं, और अभी मस्त आंगन होने वाला है ऐसा पूरा, देखो अब क्या होता है। तो टोटल 10 ऐसा काव का शेण है, 10 जितना जमा किया है पूरा काव डंक, आणि पाणी घातलं आहे ना त्याच्यात, पाण्यामध्ये ठेवलं तर ते बरं असते। हाँ, पानी में रखा है तो वो फ्रेश रहता है। देखो देखो देखो, हाँ हाँ, अच्छा मूंगी, हाँ हाँ कीड़े। तो काउडंक में पानी रख के रखते हैं ना, पानी डाल के रखते हैं तो वो फ्रेश रहते हैं, नहीं तो उसमें कीड़े लग जाते हैं। अभी ये पूरा आंगन करने वाले, क्या बात है। चकाचक, मासी एक्सपर्ट है इसमें। आणि किती तास, कितना घंटा लगता है उसको सुकने के लिए पूरा? हाँ, सुकायला सुकायला किती पटकन सुकत? अच्छा, पानी डालने का, काउडंग डालने का, पानी डालने का, वैसे मिक्स करने का पूरा। पानी डालना पड़ता है क्योंकि धूप में पूरी जमीन एकदम सूख गई है, तो जितना पानी डालेंगे ना उतना वो सक कर लेती है, तो पानी बहुत जाता है उसमें। ये मेरी हालत देखो कैसी। फुल रेडी हो गया है अभी, कितना सही लग रहा है, अभी सूखेगा ना और मस्त लगेगा। ये सूख रहा है थोड़ा थोड़ा। अभी पीने का पानी भरने के लिए घर से थोड़ा दूर एक फार्म है, फार्म के अंदर एक वेल है, वेल में से हम लोग पानी भरने जा रहे हैं पीने का पानी। मेहनत है यहाँ पे रहने का। ये सब इतने पावरफुल है ना, बाप रे, अपने से होता नहीं है ये सब। अभी हमारी मौसी और काकी पीने का पानी लाने को जाते हैं। एक रस्सी लिया है और दो दो ऐसे घड़े भर के इतना दूर लेके आएंगे ये लोग। ये बड़ा वाला मेरे से नहीं होता, मैं छोटे छोटे पकड़े थे सुबह। स्काई देखो कितना मस्त हो रहा, वेल
हाँ वेल फार्म के अंदर वेल नहीं मैंगो के चार अंबो मिला ला पिकलो वास एक तरह ना था करने मैंगो मिलने की खुशी बड़े लोगों में भी होती है ये देखो ये वेल है रस्सी लेके आए हैं लोग कीड़ा सा ऐसा मार्को गाड़ी तो चली सो ना उठला तो पड़ा अभी रस्सी लगाने का और खींचने का बापरे किती कोल खूप कोल असा हेच पाणी ना आपण पितो ते किती टेस्टी पाणी आहे एक रेडी हो गया कुठे ऐसा दो राउंड होने वाला है दोन राउंड होणार ना अजून एक राउंड और एक राउंड हो जाएगा डोक्यावरती का ठेवलं असं अच्छा हां बापरे सर पे लेने वाली है मासी मम्मी बापरे हाँ मेरी मासी कौन बोलेगा 70 इयर्स से भारत का झंडा लेके जा रहे ऐसा लग रहा है ऑरेंज एंड ग्रीन सुबह ट्राई किया तो ज़्यादा हैवी उठा ही नहीं पाया अपने को आदत नहीं है ये लोग कितना फास्ट फास्ट करते सर पे उठा के मस्त आराम से बातें करते करते चल रहे हैट्स ऑफ एवरी वुमेन्स ऑफ विलेज हैट्स ऑफ इतना घर का काम भी करते हैं और फिर दूर दूर तक पानी भरने भी जाते हैं आई होप जल्दी ही पानी की सुविधा अपने देश में सब जगह पर पानी अवेलेबल हो जाए कभी किसी को इतनी मेहनत ना करनी पड़े पूरे 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 विलेज में
इतना पानी और इलेक्ट्रिसिटी, ये दोनों सुविधा मिलनी चाहिए कैसे भी। आई होप मिली जाए यार, जान जाती है इन लोग को देख के। सेकेंड राउंड के लिए रेडी एकदम खुशी से। मुंह पे हंसी है देखो फिर भी। अच्छा चलो चलो सेकेंड राउंड यार। हाँ ये देखो बस आ गई, ये बस में से ही मैं आई थी। शहिनशाह थोड़ी हेल्प, वो नहीं उठा सकते थे, ये तो उठा सकते हो। सो दैट वॉज इट फॉर टुडे। होप आपने बहुत इन्जॉय किया हो, मैंने बहुत इन्जॉय किया। क्या क्या किया आज, बहुत मेहनत की भाई, पानी भरा और मैंने मैंगो जो थे वो ग्रीट की, बड़े बड़े मैंगो थे, मेहनत की है मैंने आज, मेहनत की है। और अच्छा वीडियो आया है, देखते हैं एडिट करते वक्त। बहुत सही मज़ा किया, बहुत सही मज़ा किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। Good night.